कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि 60 से 65 नंबर आपको कवर कराएगा। एक ही वीडियो से आपको 60 से 65 नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैं हर बार आपको सेट ए बी सी डी ई एफ तक लेके चलता हूं, ठीक है। इसी बार भी अपन अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप तो घबराओ मत। मैंने हर पेपर में आपकी मदद की, सामाजिक विज्ञान में भी पूरी मदद करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। सीमांत सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? लगभग 20 करोड़। सिहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? 1956 में। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका बढ़िया से, ठीक है भैया। चलिए और आगे, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा ये। रिक्त स्थान देखिए मैंने पूरे भर दिए ताकि हमारे बच्चों को कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया। अब है आपकी जोड़ी, वायु प्रदूषण का जो कारण है, वायु प्रदूषण का कारण क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी हम कहते हैं जो देश की सरकार प्रतिकृत करती है। चाय का जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश का जाएगा चीन। नेपोलियन की हार का जाएगा 1815। कांडला का आ जाएगा गुजरात, ठीक है। हो गया इतना, ये यहां से आप देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर है। अब आगे, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की जो राजधानी है वो उसका नाम बताइए, तो ब्रुसेल्स से। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र का है। उद्योग स्थापना व निवेश की उदार नीति को कहते हैं उदारीकरण। यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करोगे, इतना हो गया है। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे? असत्य है। भारतीय संघ कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है? सत्य है। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, ठीक है, तो असत्य बात है। गरिमा और आजाद की चाय लोकतंत्र का आधार है, एकदम राइट बात है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से अपन देख सकते हैं ये ट्रू फॉल्स रहने वाला है। हो गया इतना। काली मिट्टी की विशेषताएं आपको बतानी है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, ठीक है, मृदा अपरदन के कारण बताइए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना, आपकी बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है। ये पेपर देख लो पहले, पूरा सॉल्यूशन समझाते फिर आगे ना, उस मिशन में आपको शामिल होना है। तो बेटा 6 पेपर करने पड़ेंगे, एक पेपर से कोई काम नहीं चलने वाला है, ठीक है भैया। ये अच्छे से तैयारी कर लो आप, तो ये कोई रियल पेपर नहीं, हाँ पर इन्हीं में से आपका रियल पेपर बनेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, गुटेनबर्ग है। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 हो गया है। इसके बाद हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन विशेषता है। तो देखिए, काली मिट्टी जो होती है ना वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। अब ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है भैया। जो अपने इधर बोई जाती है ना, ये अधिकतर इस इलाके में जिसमें कपास की खेती कर सकते हैं ना, जो अपन देखते हैं ना, जो फट जाती है थोड़ी सी, जैसे उसमें अपन पानी गर्मी के मारे जाते हो, दरारें बड़ी पड़ जाती है, दरारें पड़ बड़ी बड़ी इसमें पड़ती है, ठीक है। ये काली मिट्टी ही है ना, जिसका रंग काला होता है, तो ये बहुत महीन कणों से मिलकर बनी होती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, इसमें 2-3 पानी में बिल्कुल साफ गेहूं पैदा हो जाते हैं। इसके में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये खेती किसके लिए की जाती है? यहाँ मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, बहुत उपयुक्त, बाकी सारी फसल हो जाए पर कपास लिए बहुत ही बेहतरीन है। पानी गिरने पर यह मिट्टी फूल बन जाती है, फूल जाती है, पानी गिरने पर यह मिट्टी क्या हो जाती है? फूल
जाती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना, है ना। चलिए अगला है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, प्रमुख मृदा अपरदन के कारण बताओ। मृदा अपरदन, देखिए मृदा अपरदन का सबसे बेहतरीन उदाहरण बताऊं मैं आपको, ठीक है, जो मिट्टी कट के बह गई, मतलब जैसे पहाड़ी इलाकों में रहती ना, तो वो मिट्टी जो पानी के साथ बह कर जाएगी उसे कहते हैं अपन मृदा अपरदन। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, मृदा के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। इसके कारण है वनों का नाश, ठीक है, अत्यधिक पशुचारण, पहला क्या है वनों का नाश है, अत्यधिक पशु चारण, तीसरा है पवन अपरदन, और चौथा जाएगा भारी वर्षा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हेडिंग हेडिंग लिख के आओगे ना, इसमें भी काम चल जाएगा, क्योंकि दो से तीन नंबर का रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं, समुच्च जुताई किसे कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल का जो बहाव है उसकी गति घटती है, इसे ही क्या कहते हैं, समुच्च जुताई कहा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाइए, तीन कदम है, समुच्च जुताई जिसका तो मैंने आपको बता ही दिया है, सीढ़ीदार और पट्टीदार, ठीक है, ये तीन खेती करते हैं और उसके द्वारा मृदा अपरदन में रोकथाम के लिए किया जाता है। यहां से हम बात करें तो अगला है आपका, देखिए जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताओं में क्या है कि ये मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, ये मिट्टी क्या है आपकी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, नंबर तीन है इस मिट्टी में पोटाश चूना फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है ना वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर। देखो क्या है पहला पॉइंट, वो देखो सबसे पहला कि ये भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, ये भूमि के बड़े टुकड़ों पर की जाएगी, बड़े क्षेत्रों में की जाएगी, इसके लिए उर्वरकों तथा रासायनिक खादों का प्रयोग लगभग ना के बराबर करते, वाला कि करते हैं पर ना के बराबर करेंगे, पर इधर तो कृषि उर्वरक रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे जाने जाने, ठीक है भैया, इस कृषि में फसलों का उत्पादन कम होता है और इसमें क्योंकि ये मशीनों के द्वारा होगी और टेक्नोलॉजी के द्वारा होगी, नई नई टेक्नोलॉजी, तो इसमें फसल का उत्पादन भी अधिक होगा, समझ में आ रही तो हाँ करो, ठीक है। ये क्या है कि इस कृषि यहाँ कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर करेंगी, ये भूमि के बड़े क्षेत्रों पर की जाएगी, इसके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगभग ना के बराबर रहेगा, इसमें उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा, इस कृषि में फसलों का उत्पादन कम होता है, इसमें अधिक होता है। यहां पर हम बात करें प्रारंभिक कृषि की, तो इसमें पुराने औजारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया ही आपको लकड़ी के हल के द्वारा, इनके द्वारा, और इसमें कृषि यंत्रों के द्वारा खेती की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, परिवार का पालन पोषण करना होता है, और इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार करना होता है। तो ये इतने सारे पॉइंट है, जो जमे तीन चार पॉइंट हो वो कर लेना, है ना, यहां से अपन स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया इतना, इसके बाद में ये दूसरा हिस्से कर लेना, बढ़िया से कंप्लीट करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब यहां पर इसका अथवा है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, तो कपास जूट सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली चार प्रमुख रेशेदार फसलें हैं, इनमें से पहली तीन मृदा में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है, जो शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, पढ़ोगे जिसमें समझ में आएगा सारी चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, आधारभूत उद्योग क्या है, से क्या से, देखिए आधारभूत का मतलब है कि जो दूसरे उद्योगों के लिए आधार का काम करेंगे, कच्चे माल की तरह काम करेंगे, सीधी सी बात ये, तो हम कहेंगे कि वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इनके उत्पादन और अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम में आते हैं, इनके जो उत्पादन है वो नहीं, ठीक है, इनका उत्पादन लिख दो आप, तो इनके क्यों करो, इनका उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम में काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, तांबा, लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि।
आगे की बात करें तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में क्या आएगा, सबसे पहले कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए तथा उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। ठीक है, कारखानों की चिमनियों को ऊंचाई बढ़ा देंगे तो उनसे निकलने वाली जो हानिकारक गैस रहेगी उनके प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरा है, कारखानों में कम से कम प्रदूषण होने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, सौर पैनल हो गया है, इनके द्वारा अपन वायु प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाए जाने चाहिए। चौथा है आपका, औद्योगिक इकाई की स्थापना से पूर्व ही प्रदूषण अनुमान लगाकर उसको नियंत्रित करने के साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाना परिसर में विकसित किया जाना चाहिए। ये इतनी चीजें तो आपको कंप्लीट करनी, तीन तो कर लेना, चार मत करना भली, तीन याद कर लेना, है ना, हो गया इतना यहां से। अब सड़क परिवहन के दो गुण, आपने देखा होगा कि जो सड़कें हैं, सीधी सी बात, सड़क सड़क को ही पहचानता है हर एक बच्चे की इमेज में है ना। सड़क जो होती है उबड़ खाबड़ जगह बना सकते, रेल को नहीं बना सकते भाई साहब, रेल के लिए सीधी पटरी चाहिए है ना। तो सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पर बनाई जा सकती है, सड़कें गांव को शहर से जोड़ती है, छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति से परिवहन सड़कों के द्वारा ही होता है। यार हम बात करेंगे कि जरा सी दूर जाना आपको 2-4 किलोमीटर, तो उनके लिए सबसे तेज परिवहन किसके द्वारा होगा, सड़क के द्वारा। अब पता चले रियल में 2-4 किलोमीटर चले तो ऊपर रुके ही नहीं हो जब तक, तो फिर ठीक है। तो यहां से देखो सही में आगे बात नहीं है, तो छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति से परिवहन सड़कों के द्वारा ही संभव। जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, अंडे हो गए, इनको उपभोक्ता तक, भले वो रेल से तो माल आ गया पर उनको घर घर तक नहीं रेल जाएंगे, बस के द्वारा, कार के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा, ठीक है, भले टेम्पो के द्वारा, भले साइकिल के द्वारा, कैसे जाएगा, ठेले के द्वारा कैसे जाएगा, माथा भर कर जाए, सड़क पे तो जाए नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे फल सब्जी अंडे आदि को उपभोक्ता तक सड़क मार्ग के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। इसके बाद में अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला मार्ग में के बारे में बताइए। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका रखरखाव कौन करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में, ठीक है भैया। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं, दिल्ली और अमृतसर, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप, है ना, थोड़ा सा लिख लोगे ना भैया, आराम से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जिला मार्ग, जिला मार्ग क्या, जो वे सड़कें जो विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है, जिला मार्ग सड़कें कहलाती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व का काम किनका, परिषद का रहेगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो आना ही आना है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, रेल परिवहन जो होता है ना वो हालांकि सस्ता रहता है, सड़क क्या रहता है, महंगा रहता है, ठीक है, समझना बात को आप, है ना, पर लेकिन छोटी दूरी है और ग्रामीण क्षेत्र से कई वस्तु ले जानी है तो उनके लिए महत्वपूर्ण कौन है, सड़क है या रेल है, आप बताओ, सड़क। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, सीधी सी बात है कि सड़क के द्वारा ही सारी चीजें जाएगी, तो यद्यपि सड़क जो है महंगा तो है थोड़ा सा रेल के अपेक्षा, क्योंकि रेल में अपन थोड़े से कम पैसे में ज्यादा दूर तक जाएंगे, लेकिन जो सड़क है इसका बहुत अधिक महत्व है। सड़क परिवहन बड़े बड़े नगरों को एवं औद्योगिक केंद्रों को गाँव से जोड़ते, पर्वतीय क्षेत्र, खनिज उत्पादक क्षेत्र जो उबड़ खाबड़ है, इनमें रेल नहीं चलाई जा सकती, इनमें केवल क्या चलेगी भैया, फोग नहीं चलेगा भाई साहब, रेल नहीं चलेगी, सड़क चलेगी, सड़क, ठीक है। तो उबड़ खाबड़ जगहों पर रेल नहीं चलाई जा सकती, अतः वहां सड़कों का ही विकास किया जाता है। सड़क परिवहन रेलों के द्वारा लाए गए सामान को जो नियत स्थान है, या मतलब उपभोक्ता रहता है, कस्टमर है, उस कस्टमर तक पहुंचाती है सड़क। रेल के द्वारा ढोए जाने वाले कच्चे माल को भी, ठीक है, यहाँ पर देख कहाँ थे अपन, उबड़, अतः सड़कों के द्वारा विकास किया जाता है। सड़क परिवहन रेलों द्वारा लाए गए सामान को नियत स्थानों तक पहुंचाया जाता है,
और रेल द्वारा ढोए गए माल को भी रेल यार्ड तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? सड़क के द्वारा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में रेलों की तुलना में सड़कें बहुत अधिक उपयोगी है। अंडा, मांस, दूध, फल, सब्जी आदि सड़क परिवहन के लिए अत्यधिक महत्व उपयोगी है। अब भैया आपको क्या करना है, ये चीजें ये ना इसमें से थोड़ा सा जो आपको लगे वो थोड़ा एक दो लाइन छोड़ देना, भले कोई दिक्कत नहीं। आपके इस तरह से समझ लिया आपने कि क्या बोला है यहाँ पे कि जो रेल परिवहन है ना वो हल्का की सस्ता होता है, लेकिन जो सड़क परिवहन है वो ठीक है। सड़क परिवहन जब भी महत्वपूर्ण है, महंगा है जब भी, क्योंकि सड़क का महत्व अधिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक सड़कें के द्वारा ही कोई भी वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। उबड़ खाबड़ जगहों पर हम रेलों का विकास नहीं कर सकते, वहां पर सड़क ही बनाई जाती है। शीघ्र होने वाली वस्तुएं, खराब होने वाली वस्तुओं, यदि जो वस्तुएं रेल के द्वारा आती है उसको उपभोक्ता तक यानी कस्टमर तक सड़क परिवहन के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, और उत्पादक के घर से यानी किसानों के घर से भी सड़क परिवहन के द्वारा ही उन वस्तुओं को रेल तक पहुंचाया जाता है। ये सब चीजें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा ऐसे लिखो, जरूरी नहीं है ना, कोई अपन कलेक्टर नहीं है कि साहब हम ही जो बताएंगे वही आंसर सही रहेगा। आपके हिसाब से भी कर सकते हो। भुला दे डर कुछ अलग कर, हे मानव तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्म का ही अंश क्या है कि ये मानव तू स्वयं को जान ले, ब्रह्म का ही अंश, तू सब कुछ कर सकता है, संभव है, सब कुछ संभव है, असंभव नहीं है कुछ भी ना। तो आप इसको करो कंप्लीट, ये इतना हो गया है, उसके बाद में ये यहाँ ठीक है, नहीं तो पता चले यहाँ भाषण देने के महात्मा जी बना दो, ठीक है। अब ये बननी है महात्मा जी का, महात्मा जी बन जाएंगे फिर बाद में। चलो, व्यापार से क्या आप क्या समझते हैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। तो व्यापार, व्यापार का मतलब है कि राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वही आपका व्यापार कहलाएगा। यदि ये व्यापार दो देशों के बीच में हुआ तो इसे अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, ठीक है। और स्थानीय व्यापार और स्थानीय व्यापार जो दो राज्यों में, मतलब गांव का गांव में होगा जो स्थानीय व्यापार, और दो देशों में होगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सीधी सी बात है। तो भाई साहब यहाँ पर स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर है ना। अब भाई साहब स्थानीय में है तो दादा जो तेरे इधर जो नोट चलेंगे वही देंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाई भैया वो हमारे इधर का नोट अलग है, हम डॉलर वाले हैं भाई साहब, वो करेंसी ठीक है अलग है तुम्हारी रुपये वाली, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर क्या है, एक ही मुद्रा प्रणाली का चलन होता है स्थानीय व्यापार, लेकिन इसमें अलग अलग मुद्राओं का चलन होता है। वो सामने वाला डॉलर को देगा, फिर अपन उसे बैंक में कन्वर्ट करा के ना पैसे लेंगे, ठीक है भैया। चलिए, तो इतना क्या है इसका, यहाँ एक ही मुद्रा प्रणाली चलन में होती है, इधर अलग अलग मुद्राएं होती है। श्रम और पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है और इसमें गतिशीलता का अभाव होता है, थोड़ा समय लेता है व्यापार करने में इसमें, और ये क्या उसे थोड़ा तुरंत हो जाता है, तो ये लाख दो लाख तक करता है, करोड़ों वाली चीजें रहती है अंतर्राष्ट्रीय, तो समय लगेगा है ना। यहाँ देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के बीच में होता है और ये विभिन्न राष्ट्रों के बीच में किए जाने वाला व्यापार होता है। इसमें सरकार को किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता, और इसमें सरकार को क्या करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। आगे देखिए, कार्नला समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव लिखिए, देखिए। चलिए, अब अगला प्रश्न है, कार्नला को समाप्त करने के लिए के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव। अच्छा, पहले तो आपको कार्नला समझना पड़ेगा क्या है। देखिए, कॉर्न मतलब होता है मक्का और लॉ मतलब कानून, तो मक्का के लिए कानून बनाया था जो बड़े भूस्वामी हैं जिनके पास हजार हजार एकड़ जमीन थी, दो दो से 400 एकड़ जमीन थी, उन्होंने सबने सरकार पर दबाव डाला कि भाई साहब वो बाहर से मक्का नहीं आई। अब दबाव डाला तो सरकार, ब्रिटिश सरकार को भी मानना पड़ा क्योंकि भाई साहब बड़े बड़े लोग होते, ठीक है। तो उनका दबाव के कारण एक कानून लाया कि बाहर से कोई भी मक्का के आए तो रोक लगाई जाएगी, मतलब बाहर से मक्का नहीं आएगी। तो उसको जब लगा दी रोक, तो उसका प्रभाव क्या क्या हुआ वो ही बता रहे। देखिए, 18वीं शताब्दी सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। अब नतीजा ये हुआ कि देश में भोजन की मांग भी बढ़ी, साहब जैसे जैसे शहर फैले गए उद्योग भी बढ़ते चले गए, कृषि उत्पादकों की मांग भी बढ़ी। क्या बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ी, तो जब जनता ज्यादा बढ़ेगी तो भाई साहब भोजन की मांग भी बढ़ी, अब जैसे जैसे शहर फैले उसे वैसे उद्योग भी बढ़े, कृषि उत्पादकों की मांग बढ़ने लगी, कृषि उत्पादक महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यहां प्रतिबंध लगाया था उसे कॉर्नला कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बंदिशों में सरकार को मजबूर कर दिया था कि वहां कॉर्नलो फौरन समाप्त कर दे। समझाया आपको कि बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव सरकार के मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा था, पर जिन कानूनों के सहारे ये प्रतिबंध लगाया था उसे कॉर्नला कहा जाता था। अब ये खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची हुई बढ़ी तो उद्योगपति और शहरियों की बंदिशों ने सरकार को फिर से मजबूर कर दिया कि साहब तुम तो कॉर्नला हटाओ। तो ये कॉर्नला का के बारे में प्रभाव था। यहां से इतना सा हो गया, इतना इसके बाद में ये हो गया। चलिए अब आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव लिखिए। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात और निर्यात पर घटकर लगभग आधा से ज्यादा रह गया। तो ये थोड़ा सा पढ़ोगे ना कि शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों को थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा ना, मतलब पूरा वीडियो इतना लंबा कब तक अपन बढ़ाते रहेंगे आगे तक, तो है ना थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लो और थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, तो क्यों बढ़ा? तो पहले विश्व युद्ध के तक औद्योगिक विकास धीमा रहा, पर युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे थे, मतलब एक शिफ्ट में चलते थे वो, फिर दो तीन तीन। बहुत सारे मजदूरों को तो काम पर रखा गया था, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और प्रत्येक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया, नए कारखाने लगाए गए। अगला है, ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, हो गया इतना। इसके बाद में औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों से। ठीक है, अगला है, मुद्रण संस्कृति। ठीक है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्यों मदद की? ये आपका यहां से आप क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करिएगा। कंपोजिटर और गैली क्या है? ये तो सिंपल सिंपल है ना, इनको आप स्वयं कर सकते हो। चेकबुक गुटका से क्या आशय है? ये 18वीं और 19वीं सदी में तोपखाने में नई तकनीकों के आने से क्या प्रभाव पड़ा? निरंतर सुधार आए। ठीक है, एक साथ छह रंग की मशीनों मुमकिन थी। सदी के अंत में ऑफसेट प्रेस आ गया था जिससे एक साथ, ये थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, मैं फालतू समय बर्बाद करूंगा आपका और याद कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ से देख लीजिए ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें, इसलिए थोड़ा समय बचा रहे हैं ना, आप कर सकते हैं। देखिए, अब प्राथमिक क्षेत्र की दो विशेषता है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है वास्तव में आप खुद ही बता दो। प्राथमिक क्षेत्र के आपका खेतीबाड़ी संबंधित काम है ना, प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भर करेगा वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आए। तो यहाँ कृषि क्षेत्र होता है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। ये अल्प शिक्षित लोग भी इसे कर सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं खेती में। आप एक पथेई बना ली कि अनपढ़ लोग ही करेंगे, अरे पढ़े लिखे भी बेरोजगार भी कर रहे हैं आप, है ना। यहां से देख लीजिएगा, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा? ठीक है, इतना क्या है क्वेश्चन नंबर, ये आपका 18 है।